आज हम लोग बात करेंगे होस्टिंगर के डिटेल रिव्यू के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैंने होस्टिंगर का रिव्यू लास्ट ईयर भी किया था। वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो था, लेकिन जहां जो मेरी ओपिनियंस थी वो पूरी जेन्युइन थी, ओरिजिनल थी। और अभी वाला जो वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन जो मेरी ओपिनियंस रहेंगी और जो भी मेरे व्यूज रहेंगे वो पूरे जेन्युइन ही रहेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा ए टू जेड बताया है होस्टिंगर होस्टिंग के बारे में, आप लोगों को कौन से प्लान्स लेने चाहिए, कौन सा डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना चाहिए और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। जैसे ही आप लोग होस्टिंगर में यहाँ पे लॉगिन करेंगे, इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे पैनल देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मेरा एच पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का सी पैनल नहीं होता है, ये लोग एच पैनल प्रोवाइड करते हैं जो कि इनका एक कस्टम इंटरफेस है, एक यूजुअल विजुअल इंटरफेस है जो ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सी पैनल जैसा ही है, सी पैनल में जो भी आप लोगों को फीचर्स दिखते हैं वो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है ये वाला। एंड लास्ट ईयर मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन इस साल इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। तो और यहाँ पर मैंने 3 वेबसाइट्स को टेस्ट किया है। यहाँ पर मैंने एक क्लाउड होस्टिंग ली है होस्टिंगर की, एक शेयर्ड होस्टिंग ली है जो कि एशिया के सर्वर्स पर है, और एक शेयर्ड होस्टिंग ली है जो कि यूएस के सर्वर्स पर है। ये शेयर्ड होस्टिंग प्रीमियम अकाउंट में है और ये वाला जो क्लाउड होस्टिंग है ये मेरा स्टार्टर पैकेज था, वो वाला है। सो इन 3 होस्टिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज का ये रिव्यू करूंगा। एंड अगर मैं इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ होस्टिंगर को, तो लास्ट ईयर से अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और कुछ चीज़ें डाउन भी गई हैं, तो इसके एंड तक देखिएगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके सर्वर रिस्पॉन्स टाइम से। सो ये रहा इसके यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। यूएस में जो मुझे मिला है ये मेरा यूएस के सर्वर के रिस्पॉन्स टाइम है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, A+ परफॉर्मेंस मिल रही है। सारी कंट्रीज़ में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है सिवाय सिंगापुर के, बाकी बैंगलोर में भी 200 ms तक मुझे मिल रहा है। गूगल जो रिकमेंड करता है वो 200 ms ही रिकमेंड करता है। अब अगर यहाँ पर मैं इसके जो सिंगापुर वाले सर्वर हैं मैं यहाँ पर देखूँ, तो ये शेयर्ड सर्वर है और जो ये वाला सर्वर है ये मेरा क्लाउड सर्वर है। तो आप लोग देख सकते हैं बैंगलोर सिंगापुर में तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूएस की बात करूँ और बाकी लंदन वगैरह की बात करूँ, तो वहाँ पे मेरा रिस्पांस टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। सो सर्वर रिस्पांस टाइम इज डिसेंट बट नॉट द बेस्ट। सो अब अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ, तो स्पीड मुझे यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो मेरी 3 वेबसाइट थी, जैसे KP टेस्ट होस्टिंग 1, KP टेस्ट होस्टिंग 2 और KP टेस्ट होस्टिंग, ये 3 मैंने डोमेन नेम्स लिए हैं, इन तीनों डोमेन नेम्स से मेरी ये वेबसाइट होस्टेड थी। तो यहाँ पर जो मुझे स्पीड टेस्ट के जो रिजल्ट्स मिले हैं, वो जो मुझे इंडिया का जो सिंगापुर का जो शेयर्ड होस्टिंग वाला सर्वर था वहाँ पर मुझे टाइम मिला है बैंगलोर से 1.2 सेकेंड्स का, जो कि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है। एंड जो मुझे यहाँ पर मिला है अपने क्लाउड सर्वर से, स्पीड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिला है मुझे क्लाउड में, वहाँ पे मुझे 1.1 सेकंड का मिला है। और अगर मैं जो अपनी जो मैंने न्यूयॉर्क में जो सर्वर लिया था, जो यूएस में जो मैंने सर्वर लिया था, मैं वहाँ से अगर वेबसाइट एक्सेस करता हूँ तो मुझे 800 मिली सेकेंड का यहाँ पर टाइम मिला है। सो मुझे यहाँ पर स्पीड काफ़ी अच्छी मिली है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मुझे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करूँ, तो एवरेज वर्ल्ड से जो मुझे स्पीड मिल रही है अलग अलग कंट्रीज से, अगर मैं उसकी एवरेज फर्स्ट विजिट की बात करूँ, तो जो मेरा सर्वर जो यूएस में था वहाँ वो मुझे मिल रहा है 3.3 सेकंड का, एवरेज सेकंड विजिट है 1 सेकंड की। वैसे ही जो मेरे शेयर्ड के जो सिंगापुर के सर्वर थे वहाँ पर मुझे अराउंड 3.2 का था, और जो क्लाउड के सर्वर्स थे वहाँ पे मुझे 3 सेकंड का था। तो एवरेज स्पीड मुझे 3 सेकंड की मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी है, और सेकंड विजिट की भी यहाँ पे स्पीड अच्छी मिल रही है, अंडर 1 सेकंड है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने कैशे प्लगइन का यूज़ किया है, W3 टोटल कैशे का। अगर मैं यहाँ पे अपटाइम की बात करूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा अपटाइम यहाँ पे देखने को मिला है। ये मेरी एक वेबसाइट है जो कि होस्टिंगर पे होस्टेड है, मैंने खुद ने यहाँ पे अपनी 4 वेबसाइट्स को होस्ट करके रखा है। तो यहाँ पर मुझे जो अपटाइम मिला है, मैं इसे दिसंबर से लेकर ट्रेस कर रहा हूँ एंड मुझे अभी तक काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपटाइम मिला है। डाउन टाइम जो है मुझे सिर्फ 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट इस टाइप से देखने को मिला है। एंड जो मेरा लास्ट 30 डेज का अपटाइम है वो है 99.988%, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर अब यहाँ पे मैं लोड टेस्ट की बात करूँ, तो मैंने अपने तीनों सर्वर्स पे यहाँ पे लोड टेस्ट करके देखे हैं। सो यहाँ पर मैंने 50 वर्चुअल यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे भेजा देखने के लिए कि क्या वो लोग लोड टेस्ट में पास होते हैं, क्या अगर सब एक साथ रिफ्रेश करते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने जो सिंगापुर वाले जो शेयर्ड होस्टिंग है उसको लेकर के। सो यहाँ पर मैंने 50 यूज़र्स को भेजा, धीरे धीरे यहाँ पे मेरे यूज़र्स बढ़ते गए और कुल टोटल उन्होंने 7,500 रिक्वेस्ट करी, और उसमें से सिर्फ एक रिक्वेस्ट फेल हुई।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड, अगर यहाँ पे मैं रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो यूजुअली हमें जो चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है स्ट्रेट लाइन। जितनी लाइन स्ट्रेट होगी उतना स्टेबल रिस्पांस टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी वेरिएशन कर रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसके रिस्पांस टाइम से इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे रिस्पांस टाइम मेरा जो था ये था 560 ms का, फिर ऊपर गया यहाँ पे हो गया मेरा 1 सेकेंड का। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 560 ms से सीधा 3 सेकेंड तक, बहुत सारी होस्टिंग में ऐसा भी होता है सीधे 5 सेकेंड तक। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है लेकिन ज़्यादा नहीं है। सो अब अगर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस इशू दिखा रहा है। इस परफॉर्मेंस इशू का ये मतलब है कि जब ज़्यादा लोड हो रहा है तब मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो उससे मुझे मेजर इशू नहीं है क्योंकि ये एक शेयर्ड होस्टिंग है तो इतना बनता है, लेकिन रिक्वेस्ट फेल नहीं कर रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी शेयर्ड होस्टिंग जो मेरे US के सर्वर्स पर होस्टेड थी वहाँ पे भी मैंने रन करके देखा है, एंड यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छे लोड टेस्ट के रिजल्ट देखने को मिले हैं। करीबन यहाँ पे मैंने 10,000 रिक्वेस्ट भेजी और सिर्फ एक रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरी फेल हुई है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम भी मेरा काफ़ी बाद में जाके बढ़ा है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, वो भी ठीक ठाक ही बढ़ा है। यहाँ पे मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 33.32 ms का है और यहाँ पर मुझे कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज भी नहीं देखने को मिले हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो इनके US के सर्वर्स है वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिया के या फिर जो सिंगापुर के हैं वो ख़राब है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन US के थोड़े ज़्यादा बेटर एफिशिएंटली ट्यून्ड है। वहीं पर ही जब मैंने इसको क्लाउड में रन किया तो क्लाउड में मुझे जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी वो मुझे मिली, जो मैंने क्लाउड इनकी शेयर वो सिंगापुर होस्टिंग ली है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं ब्लू लाइन एकदम स्ट्रेट है जो होना चाहिए, यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 12,000 रिक्वेस्ट भेजी है और कोई भी रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई है। मेरे 50 यूज़र्स थे, 50 यूज़र्स मेरे कंटिन्यूसली यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे थे और कोई भी मुझे यहाँ पर इश्यूज़ नहीं फेस करने को दिखे हैं। अब अगर यहाँ पे मैं कैशअप प्लगइन की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को कैशअप मैनेजर मिलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें। लेकिन इसके साथ आप लोगों को प्लगइन भी मैं रिकमेंड करूँगा, W3 टोटल कैश है और ऑटो ऑप्टिमाइज करके एक प्लगइन। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर मैं इसके डेटा सेंटर्स की बात करूं तो इनके डेटा सेंटर्स UK, US, ब्राज़ील, नीदरलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया में फ़िलहाल हैं, और अभी लिथुएनिया जो कि यूरोप में आता है वहां पर भी आने वाला है। डोमेन नेम की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को 1 साल का फ्री डोमेन नेम मिलता है प्रीमियम और बिजनेस होस्टिंग के पैकेज पर, और सिर्फ 14 डेज के लिए आप लोगों को एक टेम्पररी डोमेन नेम भी मिलता है। बैकअप की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिक बैकअप मिलते हैं, आप लोग ऑन डिमांड बैकअप्स भी ले सकते हैं, बैकअप्स ऑफ सर्वर स्टोर रहते हैं जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन इसको रिस्टोर करने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे 1 क्लिक रिस्टोरेशन का ऑप्शन नहीं है, जिसके लिए मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर यहाँ पर मैं ईज ऑफ यूज़ की बात करूँ तो आप लोगों को कोई भी cPanel नहीं देखने को मिलेगा, उसके बदले आप लोगों को hPanel देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो कि काफ़ी एक ईजी टू यूज़ ऑप्शन है। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 24/7 लाइव चैट सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई फ़ोन नंबर यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। सपोर्ट की जो टेक्निकलिटी की बात करूँ तो इट इज़ डिसेंट, एंड लाइव चैट आइकन है वो काफ़ी ईजी है फाइंड करना। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो आप लोगों को एक लाइव चैट का बटन राइट हैंड कॉर्नर पर दिखता है। अगर मैं यहाँ पे वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो वेटिंग पीरियड कम से कम 20 मिनट से लेकर 60 मिनट या फिर 80 मिनट तक का हो सकता है। पहले लास्ट ईयर तक ये काफ़ी फास्ट था, जैसे मैं कुछ भी क्वेरी करता था मुझे 1-2 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाता था, लेकिन अभी ये काफ़ी स्लो हो गया है। मे बी नए कस्टमर्स की वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया है, होपफुली फ्यूचर में यहाँ पर इम्प्रूव कर लेंगे। अगर मैं इनोड काउंट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे शेयर्ड होस्टिंग में 6 लाख की इनोड काउंट देखने को मिलती है और क्लाउड होस्टिंग में 20 लाख तक की इनोड काउंट देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इनोड काउंट मींस कि आप लोग उसमें कितनी फाइल्स रख सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट होती है 45 रुपीज़ पर मंथ से और जाती है 189 रुपीज़ पर मंथ तक, एंड उसी में यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग का भी एक आप लोगों के पास ऑप्शन है जो कि 409 से स्टार्ट होता है और 2500 पर मंथ तक जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक तीसरी टाइप की आप लोगों को होस्टिंग दिखेगी, वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग में जब आप लोग नीचे आओगे तो ये 3 ऑप्शंस आप लोगों को दिखेंगे। अब एक्चुअल में इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आप लोगों को वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल मिलता है, तो मैं ये वाली होस्टिंग आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोगों को अगर ये चाहिए वर्डप्रेस प्रीमियम के बदले आप लोग क्लाउड होस्टिंग ले लो, वही सेम रिसोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेंगी। तो यहाँ पे कौन से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान्स हैं, वो रहेगा बिजनेस वेब होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग के लिए 189 रुपीज़ पर मंथ में आप लोगों को ये मिल रहा है एंड ये आप लोग 4 साल के लिए इसे ले सकते हैं, और क्लाउड होस्टिंग में जो पहला वाला प्लान है 409 रुपीज़ पर मंथ वाला, ये अच्छे प्लान से दोनों में आप लोगों को डेली बैकअप भी मिल रहा है और रिसोर्सेज भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल रही हैं।
अब अगर यहाँ पे मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है मेरे नीचे दिए गए लिंक पे hostinger.in/kripesh पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये लोड हो गया है, यहाँ पे आप लोग होस्टिंग पे जाएंगे, शेयर्ड होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे, फिर ऐड टू कार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग मंथ सिलेक्ट कर लेंगे एंड कूपन कोड के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा एंटर कूपन कोड का, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कृपेश, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्लान दैट यू आर टेकिंग। इसके अगर मैं यहाँ पे परचेज ऑप्शन की बात करूँ तो आप लोगों के पास पेपाल है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, बिटकॉइन भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और आप लोग बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो 30-day रिफंड पॉलिसी यहाँ पर है और इसके लिए आप मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है कि रिफंड पॉलिसी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करते हैं, वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। CDN की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी टाइप का CDN नहीं है। SSL की बात करूँ तो SSL सिर्फ आपको एक ही वेबसाइट के लिए मिलता है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन आप लोग Cloudflare का अगर यूज़ करोगे तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया जा सकता है। Cloudflare के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसके माइग्रेशन की बात करूँ तो माइग्रेशन में सिर्फ एक ही वेबसाइट का फ्री माइग्रेशन ये लोग आप लोगों को करके देते हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे लाइट स्पीड वेब सर्वर्स का यूज किया गया है, PHP 7.4 अवेलेबल है और GitHub इंटीग्रेशन भी है, लेकिन इनके शेयर्ड होस्टिंग पे नोड JS, पाइथन, पर्ल इन सब का सपोर्ट नहीं है। अगर आपको वो करना है तो इनके VPS प्लान्स लेने पड़ेंगे, लेकिन जो CMS होते हैं जैसे कि WordPress, Drupal, Joomla इन सब का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्रॉन जॉब्स भी यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इसके साइट बिल्डर की बात करूँ तो साइट बिल्डर इज ओके, इज नॉट द बेस्ट, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का आप लोगों को डिटेल्ड रिव्यू अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। सो अब अगर मैं इसके यहाँ पे प्रोज की बात करूँ तो इसके प्रो है, सबसे पहले इसका प्राइस पॉइंट काफी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आती है, इसकी स्पीड, इसका अप टाइम, इसका इजी टू यूज एच पैनल, इनका सपोर्ट अच्छा है, लोड हैंडलिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और PHP का लेटेस्ट वर्जन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसके कॉन्स की बात करूँ तो लाइव चैट थोड़ी यहाँ पर स्लो है, सिर्फ एक ही SSL मिलता है आप लोगों को, टेम्प्रेरी डोमेन नेम सिर्फ 14 डेज के लिए है और बैकअप के लिए आप लोगों को कोई वन क्लिक रिस्टोर का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप लोगों को मैनुअली उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एक अफोर्डेबल होस्टिंग ऑप्शन है और अगर किसी को स्टार्ट करना है, कोई बिगनर है या फिर कोई एक अफोर्डेबल होस्टिंग ढूंढ रहा है, अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग भी ढूंढ रहा है, तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है होस्टिंगर का। मैंने खुद यहाँ पर अपनी 5 वेबसाइट्स को होस्ट करके रखा है इनके अलग अलग प्लान्स में। सो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को एक बार ये चेकआउट करना चाहिए। इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, इसका डिस्काउंट कूपन नीचे मिल जाएगा और इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने बताया है कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है, कैसे यहाँ पर वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करनी है, कैसे बैकअप्स लेने हैं, कैसे SSL डालना है, कैसे क्लाउडफ्लेयर को कनेक्ट करना है, तो पूरा A to Z होस्टिंगर के बारे में मैंने हिंदी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किनको मिलेगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों को मिलेगा जो लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से जाके परचेस करेंगे एंड मेरा कूपन कोड भी यूज करेंगे, तो आप लोगों को दो दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री एंट्री भी मिलेगी। सो मैंने बाकी भी बहुत सारी होस्टिंग के रिव्यूज करे हैं, वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।